तो इस वाले व्लॉग में हम सैमसंग के दो नए इंटरेस्टिंग फोन जाके इवेंट पे लाइव देखेंगे और इवेंट पे और काफी सारी मस्ती होगी, काफी सारी मस्त मस्त चीजें करेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। तो आज हम निकले हैं, अब गेस करने की कोशिश करो आउटफिट से। परी भाई का आउटफिट इज वेरी लाइक मिनिमल, मतलब जीन्स, अपना जीन्स जैकेट। भाई अपना मीटिंग के लिए जा रहा है और ये भाई ऐसा लग रहा फैशन शो में एंट्री के लिए रेडी, पार्टी पार्टी। तो हम जा रहे हैं फाइनली ट्रेकिंग करने के लिए। जंगली जानवर हैं रस्ते में, बट हम रुकने वाले नहीं। उनमें से हम भी हैं। हम भी तो जंगली हैं। वर्ल्ड वर्सेस वाइल्ड के सीजन 2 में आपका स्वागत है। हमारे कंटेस्टेंट भी रेडी हो चुके हैं। हम मासूम नरों को पकड़ के लाए। मैं जब से बैठा ही हुआ था ना, मैं सीढ़ियों को देख के उनको चढ़ना चाहता था। मैं 12 फ्लोर में पैदल ही चढ़ जाता था। हाँ, घर वैसे मेरा ग्राउंड फ्लोर पे था, बट मैं 12 फ्लोर चढ़ जाता था। अब हम रेडी हो चुके हैं सैमसंग इवेंट के लिए। प्रणेश भाई को देर वर इमोशनल प्रेशर्स, तो बेसिकली हुआ गया कि मैंने उनको अकेला छोड़ दिया। मैं वॉशरूम में पहले चला गया, तो फिर मैं, अब तो टाइम कम बचा है, तो प्रणेश भाई आप अकेले आओ। Hello, thank you for joining us when Samsung launched the first Galaxy Fold. The Galaxy Watch 5 series is equipped with sapphire crystal. To be folded and unfolded equally and seamlessly. Nightography is also next level. भाई इस बार का flip अलग ही बना दिया भाई। वेट रिडक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल कर दिया, मतलब एकदम ही ऐसा लगता फोन ही नहीं है। इंजन में जो वेट कम करा ना भाई, ये वो नहीं है। अच्छा ये ओ, मैं टेस्ट कर रहा था यार, ये वाला कलर अच्छा है, प्यारा सा लग रहा ब्रो, पार कर ले, निकाल निकाल, तार निकाल ले। इस बार ये जो ब्लैक वाली चीज लगा दी ना इन्होंने, ये मेरे को पसंद नहीं आई है। यार वायरलेस वाले मैंने देखे थे, बट इसके अंदर वायर लगी है। ये एक्चुअली हुआ गया कि हम ना दुकान में आते भाई, अपना चाहिए अपना खोलने दुकान वुकान, तो यहाँ पे होलसेल में मिल रहा था भाई, लपेट लेंगे यार, कोई दिक्कत। अरे यहाँ पे सही है यार, अपना माल वाल पड़ा है, सैमसंग का ये सब भी आता है। अरे भाई ये स्टेबलाइजर, ओ भाई इसके अंदर हाथ रख के से सैनिटाइज करना होता है, मजाक कर रहा था, फोन रखना होता है। नहीं भाई कैसा लगा आपको फोल्डिंग? प्रणेश भाई इज अ रेगुलर कंज्यूमर ऑफ गैलेक्सी फ्लिप 2। बैटरी सही लगी, बढ़ा दी इस बार तो शायद ज्यादा अब चलेगी। हेलो सर, हाउ आर यू? हमको चार पांच बिकवा दो, मैंने सर को जादू दिखाऊं क्या? हाँ भाई। देखो अभी यहाँ पे चार फोन है। हाँ भाई। अभी यहाँ पे तीन फोन है। भैया मैं उंगलियों की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं राइटर हूँ ना, बाइसेप्स आ गए हैं मेरे। भाई ये तो कलर है, ये वाला सही लग रहा है भाई, सफायर। फोल्ड का इंजन भाई बेटर कर दिया, काफी स्ट्रॉन्ग सा फील हो रहा है, मतलब मैं तितली बना के उड़ा सकता हूँ। फ्रेम है, आपको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? हाँ भाई। आई लव यू। ये देखो सजेशन देखो, ये मटन तवा पर के साथ वीडियो पार आ रहा है, पुष्पा के साथ WWE आ रहा भाई, अलग ही सजेशन है भाई। इसमें डॉक आर्ट करके स्क्रीन विन कर, विंडोज 11 वाली फील आ रही है। वो ये महंगी लग रही है, देयर इज बार डायल हटा दिया, सही लग रही है, मस्त लग रही है। मेरे को मतलब नहीं आया फोन वोन से, अब भाई जीवन में गेम खेल, मेरे को ना इसका फोल्डेबल चाहिए था यार। ये अभी देखो कोशिश कर रहे हैं मोड़ने की, धीरे धीरे बड़े होकर फोल्ड बन जा गए। लाइफ इज अ गेम, को खेलना था इसीलिए हम आए थे। वेलकम टू द गेम, गेम ऑफ लाइफ। यहीं पे जीत, हरा दिया भाई, हरा दिया। लकड़ी वाला था ना। सैमसंग के दोनों नए डिवाइसेस फोल्ड 4 और फ्लिप 4 दोनों आ चुके हैं, और उसके साथ साथ बड्स 2 प्रो भी आ चुके हैं। अब एक क्विक फर्स्ट लुक आपको देने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत नई नई चीजें बताने की कोशिश करेंगे, क्या क्या ऐड करा गया। ऑफकोर्स पूरी वीडियो नहीं बना पाएंगे, हमने काफी डिफरेंट सी ब्लॉग स्टाइल वीडियो बनाने की कोशिश करी है, बट इस बार के लॉन्च के अंदर इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा रिफाइन कर दिया गया। सबसे पहली चीज, फ्लिप के अंदर हिंज को रिफाइन करा गया। अब इसको आप किसी भी एंगल पे, यहाँ पे एकदम पास में, थोड़ा बीच में, थोड़ा और बीच में, एकदम अगर आपको लिटा के रोकना हो वो भी कर सकते हो। हाथ में पकड़ने में हैंड फीड थोड़ी सी बेटर है, उसके साथ साथ एक काफी बड़ा चीज, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन्युइन, अभी भी बीच में आपको हल्की सी क्रीज फील होगी, स्क्रीन हल्की सी बेटर लगी, बट ओवरऑल जो स्मार्टफोन की फील है हैंड के अंदर वो काफी हद तक अच्छे प्रीमियम स्मार्टफोन वाली फील देता है। पर एक मेरे को काफी अच्छी चीज लगी, इसमें बैटरी का एक इंक्रीज करा गया है। पिछली बार 3300 mAh थी, इस बार 3700 mAh है, तो एक अच्छा बड़ा इंक्रीज है बैटरी के अंदर। सेम फॉर्म फैक्टर को रखते हुए बैटरी बढ़ाना बड़ी बात, और इस बार इसमें कस्टमाइजेबिलिटी का भी ऑप्शन है, तो अगर आपको ये बैक पैनल का कलर चेंज करना हो, मतलब आपको पर्पल लगाना है,
बैक साइड में आपको येलो लगाना है वो आप कर सकते हो। बीस्पोक एडिशन है ये, सैमसंग के ई स्टोर से करा जा सकता है। यूआई में अपग्रेड्स करे गए, बैक साइड वाली स्क्रीन से आप लेके सेल्फी ले सकते हो, काफी कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शंस हैं। लॉक स्क्रीन पे नए विडजेट्स हैं, आप क्विक सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। और ये बैटरी इंक्रीज, ये सारी नई चीजें इसलिए ऐड ऑन हो पाई क्योंकि इसमें एक हिंज है, उसका पूरा मैकेनिज्म चेंज करा गया और उसको एकदम ही छोटा बना दिया गया। और ये सेम चीज नए फोल्ड में भी करी गई है। और दोनों स्मार्टफोन से आप हाथ में उड़ो तो एक्चुअली फील होता है, मतलब जो हिंज है बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है, बिल्कुल ही स्मूथ है। काफी हद तक जो हाइड्रोलिक वाली होती है ना वैसी मेरे को फील दे रहा है। सबसे पहली चीज जो भाई फोल्ड में आप नोटिस करोगे वो है कि भाई जो मेन स्क्रीन है ऑलमोस्ट एक बेजरलेस स्क्रीन फील होती है। और ये खाली फील नहीं होती है, इसमें जो कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं, सारी चीजें भाई काफी हद तक प्यारी सी हैं। फ्रंट वाली स्क्रीन में भी बेजल कम कर गए हैं, इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स भी आपको देखने को मिलता है। इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन्युइन है। और ऑफकोर्स इसमें भी सेम हिंज में इंप्रूवमेंट करी है जो काफी बड़ी बात है भाई। और उसके साथ साथ इसमें बैटरी ऑफकोर्स इंक्रीज हुए, तो हिंज छोटा हो गया तो भाई बैटरी के लिए जगह बच जाती है। 4400 mAh बैटरी इस वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन में। फोल्ड में भी सैमसंग ने हिंज पूरा चेंज करा और ये एक्चुअली फील होता है, काफी स्मूथ सा, काफी प्यारा सा फील होता है। इस वाले स्मार्टफोन में भी आप इसको किसी भी एंगल पे जहां पे भी आपका मन करे वहां पे आप रोक सकते हो। एक चीज और अगर आप नोटिस करो फ्रंट में, मतलब नोटिस करो या फिर ना कर पाओ, वो है अंडर डिस्प्ले कैमरा। वो नहीं दिखता भाई, अब कैमरा काफी हद तक पहले से बेटर छुप जाता है। और इसमें फोटोज वोटोज में इंप्रूवमेंट करी गई है, अभी फोटोज नहीं खींचेंगे, जितनी भी फोटोज है इनडेप्थ टेस्टिंग है वो हम अनबॉक्सिंग में अच्छे से करेंगे। इस बार फ्लिप में फोल्ड में दोनों में कैमरा सेटअप अपग्रेड करा गया। इसमें भी अगर बैक साइड पे देखो हल्का सा बाहर निकल जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। और फोल्ड में भी कैमरा सेंसर्स काफी बड़े फील हो रहे हैं, ये मतलब भाई कैमरा चेक भी हम करेंगे फोटोज वोटोज लेके। मेरे को एक चीज काफी इंप्रेसिव लगी भाई, ये एक अच्छा खासा बड़ा डिवाइस है, उसके बाद भी काफी लाइट वेट फील होता है। और इसमें सिंगल स्क्रीन पे भी यूज करना तो भाई काफी हद तक मतलब कंफर्टेबल सा स्मार्टफोन लग रहा है, मजेदार सा लग रहा है। अपना स्वाइप वाइप कर लो, ऊपर नीचे से स्क्रॉल मारना है, आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है कम करनी है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। और ऑफकोर्स फोल्ड में जैसा होता है भाई, अंदर की साइड पे एक कैमरा है, बाहर की साइड पे एक कैमरा है, पीछे की तरफ भाई तीन कैमरा है। जिससे मर्जी जोन सी सेल्फी लेनी है बैक कैमरा की तरह यूज करना, आप सारी चीजें कर सकते हो। और डिजाइन जैसे कि देख सकते हो पुराने वाले फोल्ड और फ्लिप थे उनसे काफी सिमिलर आपको भी फील होगा, हल्के हल्के चेंजेस हैं। फोल्ड पहले से डेफिनेटली काफी हल्का और कंफर्टेबल फील होता है, और फ्लिप भी अपने नए हिंज के साथ काफी मतलब एक प्रीमियम और स्ट्रॉन्ग फोन फील होता है। बट मैंने ट्राई कर दिया, एक काफी नए लुक के साथ आ रहे हैं मेरे कान में, मेरे को लगा था फिट नहीं आ पाएंगे बट आ गए सही से। और गाने वाने बजा के देखे मैंने, इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो AKG वाला साउंड है, बेस हाइज मिड्स काफी बैलेंस, काफी मजेदार से लग रहे थे। ANC 40% से इंप्रूव करी गई है इसके अंदर। एक मेरे को काफी इंप्रेसिव चीज लगी, जैसे मैंने ईयरफोन्स लगा रखे और मैं गाने वाने सुन रहा हूं, अगर मैं बोलना शुरू करता हूं तो ऑटोमेटिकली ANC ऑफ हो जाता है, मतलब जो नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर, और मैं ऐसे बात बात काफी कंफर्टेबली कर पाता हूं, मतलब ऐसे आपको फोन में जाके ऑफ नहीं करना पड़ता, हेलो हेलो क्या बोल रहा वैसे बात बात। तो यही हमने छोटा सा एक इवेंट का ब्लॉग और सैमसंग के डिवाइसेस कवर करने की कोशिश करी। आप बताना इस टाइप का कॉन्टेंट आपको कैसा लगता है, हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी। और अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब दबा दो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अबे ये क्या, ये तो वो लग रहा है जो बॉडी वाले वो करते हैं।